जलसे आदमी के सदर मोहतरम मकबूल शेख साहब, मंच पे तशरीफ फरमा शेख हसीब साहब, एकता शेख, आदित्य शेख सामने वाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा डॉक्टर अरशद साहब, निषाद भाई, साजिद भाई, मुन्ना शेख, मंच पे तशरीफ फरमा सभी हमारे इस वार्ड नंबर 6 के जिम्मेदारान, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान और इस जलसेगा के अंदर तशरीफ फरमा सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहने, वार्ड नंबर 6 का इस जमीनी चुनाव 23 तारीख को एतवार के दिन होने जा रहा है और कल शाम 5 बजे राबता मुहिम प्रचार बंद हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों के हाथ में फैसला कल 5 बजे के बाद आ जाएगा कि इस वार्ड के अंदर कौन सा उम्मीदवार आपका फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा उम्मीदवार आपके लिए नुकसान है, ये फैसला आप लोगों को करना है। कांग्रेस पार्टी ने फारूक कुरैशी साहब, उनकी अहलिया को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और ये वही फारूक कुरैशी है जो पहली मरतबा इलेक्शन हारकर इसी वार्ड के अंदर रहा, दूसरी मरतबा इलेक्शन जीतने के बाद भी इसी वार्ड में रहा, उसके बाद फिर इलेक्शन हारने के बाद तीसरी वार्ड के अंदर रहा और चौथी मरतबा आज कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा। एकता शेख यहां पर बैठे, आरिफ शेख चमड़ा वाला साहब, डॉक्टर अरशद साहब और उनके सभी साथी यहां पर बैठे, क्या वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत में हमारे साना बसाना पूरे वार्ड के अंदर प्रचार किया, वोट मांगी, वोट की अपील, इस वार्ड की आवाम ये जानने के लिए मैं समझता हूं बहुत इंतजार कर रही थी। आज मुझे आप लोगों को बताना कि भैया हमारा आखिरी और पहला जलसा, हमने कोई जलसा वाला नहीं किया, खासतौर से इस वार्ड की मेरी मां बहने और खासतौर से निहार अहमद साहब को मोहब्बत करने वाले जनता दल के वर्करों को मेरा बोलना है कि अगर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की हिमायत की तो सिर्फ उसूल की बुनियाद के ऊपर हिमायत की है, उसूल की बुनियाद की, जो शख्स इससे पहले कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था आज जनता दल का वो उम्मीदवार बन गया, वही शख्स मैंने कई मीटिंगों के अंदर ये बात कही, वही शख्स खासतौर से वार्ड सर्वे नंबर 56 की मेरी मां और बहने, 57 की मेरी मां और बहने और इस वार्ड के रहने वालों से मैं बोलना चाहूंगा कि क्या आप वो भूल गए, और जनता दल के वर्करों से बोलना चाहूंगा क्या आप भूल गए कि निहाल अहमद साहब की हयाती के अंदर उस शख्स ने जब 12 कारपोरेटर चुन कर गए तो निहाल अहमद साहब की पार्टी को तोड़कर खुद का नेता बना, खुद जनता दल का नेता बना और निहाल अहमद साहब को के ऊपर केस किया और निहाल अहमद साहब को इतनी बुजुर्गी के अंदर भी नास्ती जाना पड़ा और लड़कर यह बोलना पड़ा कि नहीं मैं जनता दल का लीडर हूं, क्या आप ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे क्या? कॉर्पोरेशन कमिश्नर की
बर्दाश्त करेगी क्या? जो जन निश्चय बल्ले उम्मीदवारी कर चुका हो, सोहेल अब्दुल करीम को मारा हो तलवार लेकर इसी रोड के ऊपर शिकारी चौक पर, अनवर शाह को गणेश नगर के अंदर मारा हो या नंगी तलवार लेकर इस वार्ड के अंदर घुमा हो, मंसूर कारपोरेटर की बेइज्जती किया हो मारा हो, कि जनता दल के लोग और इस वार्ड की आवाज उसको बर्दाश्त करेगी क्या? कैसे लोगों को वोट देगी क्या? यही उसूल की लड़ाई हुसैन सैयद खानवाले ने, आरिफ सैनी ने उनके साथियों ने कहा कि जो शख्स निहाल अहमद की बेइज्जती करता है तुम उसको टिकट देते हो, हमारी मुखालफत होगी और उसको हराने के लिए आज हमारी उम्मीदवार को हिमायत करने के लिए मैं आज इस वार्ड के लोगों से बोलना चाहूंगा। चलिए वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी के लीडर और हम लोग हैं जो इस शहर के अंदर तामीरी काम देते हैं। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत को नाम देने का काम किया, ये वही कांग्रेस पार्टी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आगरा रोड के बन रहे जो फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है उसको खाजा करीब नवाज देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने। यही कांग्रेस पार्टी है कि सूफिया मस्जिद के पास आप जाकर नए इस्लामपुर में कब्रस्तान के सामने देखो, तारीफ शरिया के नाम से अगर लाइब्रेरी किसने बनाने का काम एमएलए फंड से किया तो वो लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई। यही कांग्रेस पार्टी है जो इमाम अहमद रजा ईदगाह का वार्ड नंबर अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। ये तामीरी काम कांग्रेस पार्टी ने, ये चंद तामीरी काम हम लोग आपको बता रहे हैं। अगर अल्लाह का करम है ये शहर के अंदर अगर हमारी मां बहनों को इतनी शिद्दत की गर्मी के अंदर रमजान से पहले दो दिन गैप करके पानी दिया गया, रमजान में एक दिन गैप करके पानी दिया गया तो अल्लाह का करम है शेख हसीन साहब ने बिना डैम का पानी लाया और दो डैम से हमको पानी मिल रहा है। अगर 17 पानी की टंकियां बनी तो वह भी कांग्रेस पार्टी और शेख हसीन साहब और हमारी देन है। इस शहर के अंदर तामीर काम हम लोगों ने किया। मैं आज उन मुखालिफ लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप अगर इस वार्ड के अंदर तामीर के नाम पर रोड मांगो तो तुमने कौन सा शहर को विकास किया है, कौन सा डेवलप किया है, क्या तुमने शहर के लिए किया है, उस नाम के ऊपर रोड मांगी जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं मांगा। अल्लाह का करम है यह हमारा इलाका, यह हमारा शहर बुनकरों का शहर, पावर लूम सनत का शहर, अगर इस शहर की साइजिंग के ऊपर आफत आई तो उसको हल करने का काम इसुविया साहब साइजिंग एसोसिएशन और अल्लाह का करम है कि हम लोग साना बसाना खड़े रहे और कामयाबी हासिल की और मालेगांव शहर की एक साइकिल को हमने बंद होने नहीं दिया और जो कानूनी उनको दुश्वारियां थी उनको हल करने का काम भी हम लोगों ने किया है। आज जाकर कोई भी साइकिल मालकान से पूछ सकते हो। इसुविया साहब से मैंने पूछा कि क्या हुआ था तो बोले हम साइकिल एसोसिएशन के लोग गए हुए थे तो कहा कि आप गांव के बाहर चले और ये साबिक एमएलए साहब ने कही। लेकिन आप देखिए कि मैं कल मुंबई में था, एक दिन के लिए मुंबई गया, वहां पर असेंबली के अंदर क्या मुकाबला किया कि हमारे शहर के पावर लूम प्लेन पावर लूम को जो मंदी का शिकार होते हैं उसको सरकार पर पावर में 25,000 रुपया मदद करे यह मुतालबा और नई डेट चाहिए पॉलिसी बनना चाहिए यह मुतालबा यह सरकार के सामने कल करने आया हुआ आज के बाद की खबर। मजदूरों के लिए गवर्नमेंट ने जो बोर्ड बनाई गवर्नमेंट उसको पैसा दे, यह
जो महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर हुआ, सुबह 6 बजे शाम में मेरा नंबर लगा, सरकार का जो सालाना लेखा छुपा होता है गवर्नर जो पेश करता है उसके ऊपर बैठ हुई, क्योंकि सरकार का और ये 5 साल का आखिरी असेंबली का इलाज चल रहा है। क्या मुकदमा होना चाहिए, हम वह खामोश रही रहे, डंडी मारने का काम हमने असेंबली के अंदर नहीं किया। कल का दिन अहम था, इलेक्शन छोड़कर वहां पर मैं गया और वहां पर ये कहा कि मालेगांव शहर के अंदर 2 बम ब्लास्ट हुए, 2008 के बम ब्लास्ट के अंदर साथी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आज जमानत के ऊपर है और भारत की संसद के अंदर जाकर बैठी है, जिसके ऊपर बम ब्लास्ट का इल्जाम है, उसकी इंक्वायरी होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलना चाहिए और उसको सजा मिलना चाहिए। ये मुकदमा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मेरी उनकी बहस हुई, तकरार हुई, उन्होंने कहा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई है, वो चुनकर आई, आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा कि केस का फैसला नहीं हुआ है, उसको सजा भी हो सकती है, अगर उसको क्लीन चिट मिलती तो मैं नहीं बोलता, लेकिन उसको क्लीन चिट नहीं मिली, इसके लिए मैंने बोला हूं। शहर को कैसी नुमाइंदगी, कैसी पार्टी चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसे वर्कर चाहिए, कैसे कार्पोरेटर चाहिए, फैसला आप लोगों को करना है, स्वाद की आवाज को करना है। मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि पिछले इलेक्शन के अंदर यहां पर कुछ गलत फहमियां सेमी चुनाव के अंदर हुई, फ्रेश इलेक्शन के अंदर हुई, मैं बिल्कुल इस बात की वजाहत कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ना कभी मैनिफेस्टो रहा, ना हमने ऐसा कभी वादा इस वार्ड के आवाम से किया था कि टीएम स्कूल को हम तोड़कर वहां शादी हॉल बनाएंगे, हमने कभी नहीं किया था, क्योंकि इस इलाके के बच्चे वहां पढ़ते हैं, हम ये चाहिए वो स्कूल बरकरार रहे, यह हमारी पॉलिसी थी। लेकिन अगर किसी ने तोड़ने की बात की थी तो यह आज जनता दल का जो उम्मीदवार था उसने हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, उस बच्चे ने की थी, हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी, हमारे कोई मैनिफेस्टो नहीं था, हम लोगों ने घर घर जाकर वोट मांगी, वहां हम लोगों ने मीटिंगें लेकर वोट मांग लिया, जलसों लेकर वोट मांग रहे हैं। आप कोई शहर को नई दिशा देना है और ये इलेक्शन सही मानों में एक तरफ सच है और एक तरफ झूठ है, इसका इलेक्शन होने जा रहा है। मैं किसी आलिम को खिलाफ नहीं बोलूंगा इस मंच से, मैं किसी मजहब के खिलाफ, मसलक के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ताज्जुब होता है इस शहर के अंदर कि हमारी मां बहनों को और इस शहर को इस तरीके की बातें सुनना पड़ती, इस तरीके की अखबारात के जरिए खबरें सुनना पड़ती है जो सिर्फ सफेद झूठ होती है, और हमारी आने वाली नस्ल को ये झूठ सिखाने का काम सिर्फ चंद्र कुर्सियों के लिए एक इलेक्शन के लिए झूठ बोलकर शहर के आवाम को गुमराह करने का काम ये एक साबिक एमएलए के मंच से होता है, अगर होता है झूठ होता है। इस शहर को कहां ले जाना चाहते हैं, कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह फैसला भी आप लोगों को करना है। हमको जहां जरूरत पड़ी फिरका पोस्टों से लड़ने की हम लड़ेंगे, जहां पर विकास के लिए लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे, और आज हम इस बात का भी मैं ऐलान करता हूं इस इलाके के लिए ये इस मंच इस इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बाद शायद आगे इलेक्शन में मैं बोल पाऊं या नहीं, लेकिन आज मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर जो हिल स्टेशन हमने बनाया है दरेगांव के अंदर, जिसे दरेगांव हिल स्टेशन के नाम से मशहूर अभी है, लेकिन हम उसको मदीना 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 हिल स्टेशन नाम रखेंगे इंशाल्लाह, और वहां पर आने वाले वक्त के अंदर वो भी काम करने का हम लोग ने फैसला किया है। आप लोग से अपील है कि यह असेंबली चुनाव में फहमीदा फारूक कुरैशी साहिबा को आप लोग हर एक सदस्य से फोन कर दीजिए, इंशाल्लाह इस शहर की दिशा विकास तरक्की सड़क की तरक्की वार्ड की तरक्की हम लोग करते रहेंगे, इस बात का हम लोग वादा करते। बटन नंबर एक है फारूक कुरैशी पंजा निशान के ऊपर फहमीदा फारूक कुरैशी को आप लोग वोट देकर भारी सदस्य से कामयाब करेंगे, और झूठों की बात में नहीं आते हुए मैं सिर्फ इतना
साफ तौर पर कह दूं, ईमानदारी से कह दूं, ईमानदारी तौर से मैं कह दूं कि आपको इस बात को समझ लें कि हम लोगों ने एक बूंद भी पानी दावाड़ी को नहीं दिया है। इब्राहिम सेठ ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के मेयर साहब ने, इब्राहिम सेठ को दोष नहीं दूंगा, उनके बोलने के ऊपर जो ठहराव पास हुआ था उसी को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। हमने कोई पानी नहीं दिया। ये झूठे लोगों के धोखे में नहीं आते हुए कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट देकर हरी अक्षरियत से कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।